नमस्कार, सुप्रभात मित्रों, स्वागत है सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। सुंदर सवेरा हो चुका है, दिवस की शुरुआत हो चुकी है, सारे दिन का अपने कार्यक्रम सोच ही रखा होगा, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सुंदर सुवाक्य से, जैसा हम प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्व रखता है। एक विचार पूरे जीवन को ही बदल देता है, एक विचार पूरे दिन हमारे अंदर उत्साह बनाए रखता है, एक विचार पूरे दिन हमें खुशहाल रखता है, और यही कारण है कि हम भी शुरुआत सुंदर सुवाक्य से करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं, यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। ब्रूस ली। बिल्कुल सही बात है ये, जो हमें जिंदगी में पक्की कर लेनी चाहिए। अब इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं जो गलतियां नहीं होंगी हमसे। गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि अपनी गलती को अस्वीकार करते हुए उसे ना सुधारना गलत है। और हर गलती की माफी है, यदि आप उसे स्वीकार कर सुधारने का साहस रखते हैं। परमपिता परमात्मा शिव भी कहते हैं कि महान वही बन सकता है जो एक बार की हुई गलती दोबारा ना दोहराए। मित्रों, महात्मा बुद्ध जी कहा करते थे कि शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने दिमाग को मजबूत नहीं बना सकते। सचमुच कितना सुंदर सा उनका कथन है, शरीर स्वस्थ नहीं तो दिमाग भी सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। बुद्धि ही तो है जिसके माध्यम से हम निर्णय करते हैं प्रतिदिन के अपने कार्यों की, चाहे वो बड़े निर्णय हों या छोटे निर्णय। और गलत निर्णय लिए जाते हैं तो हम जानते हैं कि हम बहुत सारी परेशानियों से जूझने लगते हैं, जीवन संघर्षमय हो जाता है, जीवन का सुकून और आनंद खोसा जाता है, और इसके बीच में हमारा स्वास्थ्य है, हमारा शरीर है। और यही कारण है कि हम प्रतिदिन आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आते हैं। नमस्कार साथियों, इस कोविड महामारी के 2 साल हम सब ने देखे और हमने पाया कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो कि बहुत अच्छी थी डेवलप्ड कंट्रीज, यूएस यूके जैसी कंट्रीज में, इसके बावजूद ऐसा देखा गया कि वो भी ना काफी रही है। हम जितने भी, जैसे भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, और अभी तो हमको जागने की आवश्यकता है। भले हमारे पास 10 करोड़ डॉक्टर भी हों, वो भी कम है, हम में से हर एक को डॉक्टर बनने की आवश्यकता है। क्योंकि हेल्दी शब्द 2 शब्दों से बना है, हील प्लस दाई, हील दाई सेल्फ, अर्थात इस सारे प्लैनेट में एक ही व्यक्ति है जो आपको हेल्दी बना सकता है, स्वस्थ बना सकता है, वो सिर्फ आप हैं। डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं, और भगवान आपकी 1000 गुना मदद कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको जागना होगा, हमको जागना होगा, अपने आप को, खुद अपनी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, कैसे हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी हमें हर तरह के इन्फेक्शन से, हर तरह की बीमारी से, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, हर चीज़ से मुक्ति पाने में सहायक है। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जिनमें सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं। सबसे पहला है पत्तेदार सब्जियां, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, सलजम और पालक। दूसरा है बीन्स, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैंगनीज, कॉपर और जिंक जैसे मिनरल्स भरपूर होते हैं। तीसरा है स्टार्च वाली सब्जियां, जैसे आलू और शकरकंद में सारे मुख्य मिनरल्स होते हैं। चौथा है ट्रॉपिकल फल, जैसे केले, आम, अमरूद, कटहल और अनानास। पांचवा है मेवे और बीज, जैसे बादाम, अखरोट, मूंगफली, पिस्ता और कद्दू के बीज। तो ये थे मिनरल्स से भरपूर आहार।
कहीं मैंने ये प्रसंग सुना जो कोई बुजुर्ग शेयर कर रहे थे अपने किसी मित्र के साथ, उन्होंने इसे अन्य लोगों तक पहुंचाना बहुत सुंदर बात समझी, क्योंकि ये हमारे देश के अध्यात्म से जुड़ी हुई बात थी। एक विदेशी यात्री जब पहली बार भारत आए एरोप्लेन से, जब उतर रहे थे तो अपने जूते उन्होंने हाथ में उठा लिए। एक भारतीय ने पूछा कि अपने जूते क्यों निकाल लिए आपने, उसने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि मंदिर में कभी भी जूतों सहित प्रवेश नहीं किया जाता, भारत भूमि पूरी तरह देवालय है और मैं देवालय में अपने जूतों के साथ कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। तो कितनी सुंदर सी बात है ना, ये बात कहाँ तक सही है या गलत ये अलग बात है, लेकिन अपने हृदय में ऐसी भावना विदेशी रखते हैं ये बात तो हम जानते ही हैं, मानते भी हैं। सचमुच भारत भूमि के लिए जब हम ऐसी सुंदर बात सुनते हैं तो हम भी गौरवान्वित होते हैं, और यही कारण है कि स्पिरिचुअल इंडिया में भी हम भारत के अलग अलग भागों में आपको लेकर चलते हैं, ताकि आप भी भारत के इस सुंदर अध्यात्म के दर्शन करें। आइए आज चलते हैं हम भद्राचलम तेलंगाना, वहाँ के सुंदर अध्यात्म के दर्शन करते हैं। ओम शांति। चलिए आज जानते हैं एक और ऐतिहासिक मंदिर भद्राचलम श्रीराम मंदिर के बारे में। भद्राचलम शहर तेलंगाना राष्ट्र के कोत्तगूडम डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है। यह अद्भुत श्रीराम के मंदिर को 17वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। श्रीराम के अनन्य भक्त भद्राचल रामदासु ने इस मंदिर का निर्माण किया था। भद्राचल रामदासु श्रीराम के इतने अनन्य भक्त थे कि उन्होंने जो कीर्तन और गीत बनाए वो आज भी रामदासु कीर्तनलु के नाम पे कर्नाटिक संगीत के जगत में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यहाँ के श्रीराम के मंदिर में दो मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं, एक है वैकुंठ एकादशी, दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है श्री रामनवमी। ये सब सुनने के बाद हमें ये आभास होता है कि ये जगह रामायण से काफ़ी संबंधित रखता है। लेकिन रामायण का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? कौन है वो रावण, कौन है वो राम, कौन है वो सीता? रावण का यथार्थ अर्थ है हर मानव में छुपे हुए पांच विकार। तो फिर राम कौन है? राम स्वयं वो परमपिता परमात्मा है जो सर्व आत्माओं रूपी सीता को उस पांच विकारों रूपी रावण से छुड़ाते हैं। लंका मतलब ये पूरी धरती जिसका हर मानव रावण के कब्जे में है, ही जब आत्मा रूपी सीता सिर्फ एक राम परमपिता परमात्मा का नाम जपती है, उनकी याद में रहती है, तब पांच विकारों रूपी रावण से अपने आप को मुक्त कर पाती है। ये थे भद्राचलम के बारे में कुछ अनोखे पहलू। मित्रों, हमारे देश में पंचतंत्र की कथा बहुत ही प्रचलित है। उनमें जीव जंतुओं के संवाद के माध्यम से बहुत ही मूल्यवान बातें, नैतिक बातें कह दी गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी जीवनोपयोगी बातें कह दी गई हैं, जिनका जीवन में होना सफलता के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत हल्के रूप में, सहज रूप में, गुदगुदाते हुए अंदाज में हमारे बीच लेकर आते हैं प्रतिदिन प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। आइए आज देखते हैं कि वो हमसे क्या कहने जा रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। सभी दर्शकों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। बहनों और भाइयों, एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताओ मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल ने जवाब दिया कि जहां पनाह आप दान बहुत देते हैं, इसलिए आपकी हथेली पर बाल नहीं है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं है बीरबल? तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह आप दान देते हैं तो मैं दान लेता हूं, तो मेरी हथेली पर दान लेने के कारण बाल नहीं है। सम्राट अकबर ने तीसरा प्रश्न किया कि इस मंत्रिमंडल में जितने सभासद बैठे हैं उनकी हथेली पर भी तो बाल नहीं है? तो बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह जब आप मुझे दान देते हैं मैं आपसे दान लेता हूं,
आपको दान देते हुए और मुझे दान लेते हुए जब ये सारे सभासद देखते हैं तो ये अपने हाथ मलते रहते हैं, तो हाथ मलने के कारण इनकी हथेली पर भी बाल नहीं है। बहनों और भाइयों, हमें जिंदगी में तीन तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो अच्छाई देते हैं, दूसरे वे जो अच्छाई लेते हैं, मगर तीसरे वे होते हैं जो न अच्छाई देते हैं न अच्छाई लेते हैं। वो अच्छाई देने और लेने वालों की ईर्ष्या से ग्रसित होकर आलोचना करते रहते हैं। इन तीसरे तरह के लोगों को पहचानिए और अपने आप को सकारात्मक आलम में रखिए। नमस्कार। मित्रों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने परिवार के लिए सभी जीते हैं, उनके लिए ही सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करते हैं, उनके लिए ही अनेक प्रकार के साधनों का संग्रह करते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और इसमें सुकून का अनुभव करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इससे भी ऊपर एक और आनंददायी स्थिति है और वो है सेवा भाव, जो हम स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं, परमार्थ से प्रेरित होकर करते हैं, अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए करते हैं। और यही सुंदर सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारी वर्षों से किए चली आ रही हैं। आइए देखते हैं कि देश के किस किस भाग में उनका ये सुंदर सेवा कार्य चल रहा है। पीस न्यूज हाइलाइट्स में lot of safety and lot of happiness. Have a wonderful year 2022. So what I would implore you to do is to really just be in silence for the beginning of the year. Try to focus and concentrate and reevaluate where you are and how you can change things for yourself. Happy New Year from Africa. Create new thoughts and new wishes for the self, of course, the Brahmin family and the world. So Happy New Year 2022. Wishing you all a very Happy New Year from Australia. All the oceans surrounding this beautiful country of Canada, wishing you a beautiful year. May this new year be a year full of hope and possibilities. May we heal our relationship with others and the planet. May we always give and receive good wishes. May the light of God bring peace and happiness to our lives. Brahma Kumaris in Spain wishes you a happy holiday season and a bright 2022. Happy New Year! Feliz Año Nuevo! Warm wishes for the new year in 2022, and may this year be the best of all. मित्रों, इन सुंदर सेवा कार्यों को देखते हुए आपके मन में भी सेवा भाव अवश्य जागृत हुआ होगा। सचमुच सेवा मेवा देने वाला है। जब हम औरों के लिए कुछ करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, कल्याण के भाव से करते हैं, किसी की मदद करते हैं, चलिए हम कुछ अन्न वस्त्र या धन नहीं भी देते हैं तो भी एक सेवा आज अवश्य करें, और वो सेवा है वाणी के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहित करना, वाणी के द्वारा दूसरों के जो गुण हैं उनका वर्णन करना, उन्हें आगे बढ़ाना। यदि कोई निराश हो गया है, हतोत्साहित हो गया है, कहीं जूझ रहा है, बिखर रहा है, उसे संवारिए, उसे निखारिए, उसे आथत दीजिए, उसे बल दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा का कार्य है। फिर आप देखें उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं, उन्हें जो संबल प्राप्त होता है, वो सचमुच
आपको बहुत सुकून देता है, शांति देता है। ये भी तो वास्तव में सेवा है। तो आइए आज इस छोटे से सेवा कार्य को करके देखें कि हमें कैसा महसूस होता है, और फिर ज़रूर अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये परम आनंद प्रदान करेगा, और इन्हीं सुंदर सुंदर बातों से ही तो जीवन खूबसूरत बनता है, सभी रंगों का हमारे जीवन में समावेश होता चलता है। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।